अपने दिल्ली के कुछ किसान मुझसे मिलने के लिए आए थे। बहुत दुखी थे। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मैं अपने दिल्ली के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, आपकी सरकार है ना, हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। आपकी सरकार हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी है। पिछले 5-6-7 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जब जब ऐसे मौके आए जब किसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, आपकी सरकार ने आगे बढ़ के आपका साथ दिया। हमने हर बार 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया अपने किसान भाइयों को। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा ये है। कहीं पे 8,000 रुपये देते हैं, कहीं पे 10,000 रुपये देते हैं। आपकी सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया। और केवल घोषणा नहीं की, हम कोशिश करते हैं कि घोषणा करने के महीने, 2 महीने 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो मैंने इस बार भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, सभी SDM DM जो है वो पैमाइश कर रहे हैं कहाँ कहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं, काम चालू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर हम सारी पैमाइश वगैरह सर्वे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको जल्द से जल्द अगले महीने 1.5 महीने के अंदर हम आपको आपका मुआवजा आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। फिर से मैं अपने सारे दिल्ली के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आप दुखी ना हों। मैं समझता हूं आपकी फसलें अगर बर्बाद हुई हैं, एक किसान की किसान फसल ना लगाए उसमें भी उसको तकलीफ तो होती है लेकिन उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर फसल लगाए, पैसा खर्च दे, खाद लगाए, बीज लगाए, सारा इन्वेस्टमेंट हो जाए और फिर फसल बर्बाद हो जाए तो वो किसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसने कहीं से लोन ले रखा होता है, लोन वापस करने लायक नहीं बचता। तो आप बिल्कुल दुखी ना हो, हम लोग हैं आपके साथ और आपका पूरा मुआवजा हम आपको जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।